स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल तनु क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं मिथिला यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट मेडली जारी कर दिया है, यानी कि आज ही के दिन 28 अक्टूबर को जारी करने वाला था 27 अक्टूबर को, लेकिन कल दिखा नहीं रहा था। अगर अभी तक आप लोग चेक नहीं कर पाए हैं तो आई बटन पर आपका लिंक दे दिए हैं, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये आई बटन है, वहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपको एडमिशन के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, यानी कि क्या क्या कागजात लगेगा। टोटल 8 डॉक्यूमेंट्स लगेगा। एंड दोस्तों कितना फी लगेगा, क्योंकि सभी कॉलेज का अलग अलग फी है। फिर इसमें बात करेंगे अगर आपसे कोई गलती या त्रुटि हो गई है तो उसको कैसे सुधारेंगे, इन तीनों चीजों के बारे में बात करेंगे। इसलिए वीडियो पर आखिर तक बने रहें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी आपके लिए किसी तरह भी खतरनाक हो सकती है। एंड दोस्तों अगर आप एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाते हैं तो वो लोग को बहाना मिल जाएगा आपका एडमिशन नहीं लेने का। जी हाँ दोस्तों, इसलिए वीडियो पर आखिर तक बने रहें, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा डाला गया है, ठीक है, 27/10 यानी कि कल ही के दिन जारी हो गया था, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मिथिला यूनिवर्सिटी में, यानी कि Part-1 BA BSc BCom में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स लगेगा। नामांकन के समय निम्नलिखित कागजात छात्रों के लिए लिया जाए। दोस्तों आप तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं आपको एक एक चीज बताता हूं। सबसे पहला लगेगा आपको कॉमन एडमिशन फॉर्म। कॉमन एडमिशन फॉर्म क्या होता है, जिसमें आप जिस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया है, ठीक है, जहां भी आप नाम अपना चेक कर पाए हैं, अगर अभी तक नहीं चेक कर पाए तो आप लोग वहां जाके देख ले, ठीक है। तो जहां पर आप अपना नाम देखे हैं उसका आपको जेरोक्स यानी कि उसको निकाल लेना है, जिसको हम लोग ऑफर लेटर भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर सेकंड में आपको लगेगा महाविद्यालय प्रत्याग प्रमाण पत्र यानी कि CLC या SLC, ठीक है, ओरिजिनल लगेगा ये। CLC या मूल प्रति दिया हुआ है तो CLC या SLC, अगर स्कूल से छोड़े हैं तो SLC, कॉलेज से छोड़े हैं तो आपको CLC लगेगा। तो एक तो CLC एंड एक आपका ऑफर लेटर। फिर गांव में आपका प्रवेश पत्र की छाया प्रति यानी कि जो 12 क्लास का एडमिट कार्ड था उसका आपको जेरोक्स कॉपी लगेगा, ठीक है। फिर गांव में आपका मार्कशीट यानी कि अंक पत्र की छाया प्रति, तो मार्कशीट का आपको जेरोक्स कॉपी लगेगा यानी कि फोटो कॉपी। फिर आपको लगेगा पासपोर्ट साइज फोटो की 2 प्रतियाँ, तो जो पासपोर्ट साइज फोटो होता है छोटा वाला फोटो, ठीक है, जो हम लोग कोना में कहीं कहीं पे लगाते हैं, तो वो आपको दो लगेगा, ठीक है, 2 पीस। फिर आपको अंग में पासपोर्ट साइज फोटो की 2 प्रतियां हो गया। फिर आप देखिए चौ में जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र जहाँ लागू हो, इसका मतलब ये हुआ कि SC और ST को सिर्फ, ठीक है, SC और ST को सिर्फ जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र दोनों लेके जाना होगा। जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट, ये दोनों आप लोगों को लेके जाना होगा। अगर OBC वाले हैं तो वो भी लेके जाए साथ में, हो सकता है वहाँ पर काम पड़ जाए, ठीक है, लेकिन SC और ST वाले को तो लेके जाना ही है। फिर आपको देखिए 6 में आधार कार्ड की छाया प्रति यानी कि आधार कार्ड का फोटो कॉपी आपको लगेगा। एंड लास्ट में देख सकते हैं आपका प्रवजन प्रमाण पत्र की मूल पत्र प्रति यानी कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपको जो है लेके जाना होगा, ठीक है दोस्तों। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये 8 डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना होगा। अब हम लोग बात करते हैं जो आपका गलती और सुधार, मतलब कि त्रुटि हो गई है तो उसको कैसे सुधार कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर 3 नंबर में देख सकते हैं, नामांकन के समय यदि किसी छात्र छात्राओं के नामांकन प्रपत्र में किसी प्रकार की त्रुटि हो, यथा नाम, पिता का नाम, जैसे कि जन्मतिथि इत्यादि, वैसी परिस्थिति में साक्ष्य के आधार पर सुधार हुए नामांकन लिया जाए। यानी कि जहाँ आप नामांकन लेने जाते हैं, ठीक है, जहाँ नामांकन जिस कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ मेरिट लिस्ट में जहाँ पर आपका नाम आया है, तो आपका नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, कोई भी गलती हो तो वहीं पे जाके आप सुधार कर सकते हैं। कॉलेज में सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर आधार पर परिस्थिति के साक्ष्य के आधार पर सुधार करते हुए नामांकन लिया जाए, ठीक है दोस्तों, वहाँ पे आपको सुधार करना है। और आपको अगर ऑनर्स पेपर में कोई गलती हो गया, जैसे कि अगर ज्योग्राफी की जगह आप ले लिए हैं हिस्ट्री, तो आपका ऑनर्स पेपर जो है चेंज नहीं होगा। वो हो सकता हो जब Part-1 का एग्जाम होता उसी समय होगा, लेकिन अभी आपका ये चेंज नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, फिर आप देख सकते हैं कोई आप यहाँ पर प्रतिष्ठा विषय के अतिरिक्त किसी छात्र छात्राओं को सब्सिडियरी एवं कंपोजिशन में सुधार की आवश्यकता हो तो प्रधानाचार्य स्तर से सुधार कर लेंगे। यानी दोस्तों सब्सिडियरी और कंपोजिशन में आपका कोई भी गलती हुआ तो आप प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्य जो भी है वहाँ के आप जो है वहाँ से सुधार कर लेंगे अभी तुरंत जाके, लेकिन ऑनर्स पेपर में आपका कोई भी सुधार नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आप लोग आगे देख सकते हैं प्रधानाचार्य अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर लेंगे छात्र छात्राएं उन्हीं विषयों के सब्सिडियरी तथा भाषा के अंतर्गत रखे जिसकी पढ़ाई महाविद्यालय में होता है। यानी कि जो जो कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ वही सब्जेक्ट आपको रखना होगा जहाँ पर आपका जिस कॉलेज में आपका सिलेक्शन होता है। तो दोस्तों आप सुधार करने के बारे में समझ गए, ऑनर्स पेपर आपका चेंज नहीं होगा, लेकिन हो सकता हो जब Part-1 का एग्जाम होगा उस समय आप चेंज कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के वक्त, ठीक है दोस्तों। अब आपको फ़ी कितना लगेगा, तो दोस्तों फ़ी के बारे में मैं आपको बताऊँ तो फ़ी देखिए सभी कॉलेज का अलग
अलग फी है। आप लोग क्या करें, जिस जिस कॉलेज में आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है तो 500 से लेकर के 1000 के बीच आपको जो है एडमिशन फी लगेगा, लेकिन यहाँ पे SC और ST वालों का एक भी रुपया नहीं लगेगा, 0 रुपया। जी हाँ दोस्तों, जो भी SC ST में आते हैं इसलिए उसको कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना जरूरी है, आय और कास्ट, तो उसको 0 रुपया, एक भी रुपया नहीं लगेगा। और जो OBC और जनरल ये सब कैटेगरी में आते हैं उसको 500 से लेकर के 1000 के बीच जो रुपया लेके जाना है, ठीक है दोस्तों। अगर अभी तक आप लोग मेरिट लिस्ट नहीं चेक किए हैं तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी ये डॉक्यूमेंट्स लेके चलाए, उसको भी ये जानकारी मिल जाए, नहीं तो उसका एडमिशन छूट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और इसी तरह का वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ, इसलिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।